वेलकम बैक टू वीडियो नंबर 2 ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बाय यूजिंग नाउन क्लाज सेंटेंस नंबर 5। रमेश हेल्प्स द पुअर, रमेश गरीबों की सहायता करता है। आई होप सो, मैं ऐसी आशा करता हूँ। क्या आशा करता हूँ, कैसी आशा करता हूँ? कि रमेश गरीबों की सहायता करता है। यदि सेंटेंस, दिए हुए सेंटेंसेस को हम सेंस करते हैं, हिंदी में समय लेते हैं और जोड़ लेते हैं, तो स्टूडेंट्स आपके लिए काम बहुत आसान हो जाएगा और आपके समझ में नहीं आएगा ऐसा मैं नहीं समझता। डेफिनेटली यू विल अंडरस्टैंड व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस विद यू। ओके, तो आई क्या आशा करता है कि रमेश गरीबों की सहायता करता है। ठीक है, आई होप दैट रमेश हेल्प्स द पुअर। प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट में है, अंदर सबॉर्डिनेट क्लॉज में नो चेंज, टेंस एज इट इज। ठीक है, यू स्टोल द पर्स, डू यू डिनाई इट? तुमने पर्स चुराया, क्या तुम इस बात से इनकार करते हो? तो तुम किस बात से इनकार करते हो कि तुमने पर्स चुराया? तुम क्या इनकार करते हो? ये चीज है। इट किसके लिए है? इसके लिए है। कंजक्शन दैट आएगा, ये इंटरोगेटिव है। हमारी जो प्रिंसिपल क्लॉज बनने वाली है वो इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप से होनी है, शुरू होने वाली है, फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव। तो क्या होगा, डू यू डिनाई दैट? ये जो नाउन क्लॉज बन रहा है इसे असर्टिव है, तो इसे दैट आएगा। That you stole the purse. चूंकि प्रिंसिपल क्लॉज हमारी इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप है, इसलिए यहां पर क्वेश्चन मार्क लगेगा। नंबर 5 या इससे ऊपर के जितने भी हमने सेंटेंस बनाए हैं नाउन क्लॉज में कॉम्प्लेक्स, कोई भी प्रिंसिपल क्लॉज इंटरोगेटिव नहीं है, इसलिए एंड में फुल स्टॉप लगा। यहां फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव है तो हमने क्वेश्चन मार्क लगाया। ओके, व्हाट हैव आई डन, प्लीज टेल मी। तो मुझे क्या बताओ, कृपया मुझे क्या बताओ, ये आंसर में आ रहा है। नाउन क्लॉज क्या से प्रश्न करने में आंसर में आने वाली है। ठीक है, तो प्लीज टेल मी, ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज बनेगा। प्लीज टेल मी, अब देखिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में क्या होता था, जब सेकंड टाइप इंटरोगेटिव आता था तो हम क्वेश्चन वर्ड को रख करके सब्जेक्ट लेकर आते थे। ठीक है, पूछने वाला भी मी है और जो कह रहा है ये बात भी मी है, तो प्रोनाउन में कोई चेंज नहीं आएगा। व्हाट, व्हाट के बाद क्या आएगा, आई। हैव नहीं आने का, इंटरोगेटिव फॉर्म नहीं, हैव डन। सेंटेंस की स्टार्टिंग यहां से है, इंपेरेटिव है, तो यहां फुल स्टॉप लगेगा। डैट्स इन डैट में ऐसे करते थे, सेकंड टाइप इंटरोगेटिव को जब हम चेंज करते थे तो सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग करते थे ना, आपको ध्यान होगा। ठीक है ना, नेक्स्ट, कैन यू टेल मी हु रोट द शकुंतलम। देखिए यहां एक फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव है, दूसरा सेकंड टाइप है, तुम मुझे क्या बता सकते हो कि शकुंतलम किसने लिखी? तो यहां हमारी प्रिंसिपल क्लॉज फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव है, तो कैसे होगा, कैन यू टेल मी। अब देखिए हु, ये ऐसा क्वेश्चन वर्ड है जो सब्जेक्ट के रूप में भी आता है। ठीक है, तो इसके बाद ये खुद ही सब्जेक्ट है, खुद ही क्वेश्चन वर्ड है, ये होगा हु
wrote the शकुंतलम। क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क इसकी वजह से नहीं लग रहा है क्योंकि हमारी प्रिंसिपल क्लास फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव है, इसलिए यहां पर क्वेश्चन मार्क लगाया जा रहा है। इससे ऊपर नंबर सिक्स में भी हम इसी प्रकार का सेंटेंस बना चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट आर यू डूइंग हियर, आई एम ईगर टू नो, मैं जानने के लिए इच्छुक हूं कि तुम यहां क्या कर रहे हो। की क्या है, हिंदी में निकल रहा है तो की क्या के लिए केवल व्हाट का प्रयोग होगा। दैट और व्हाट दो कंजक्शन नहीं आने के हैं, हम हिंदी में जोड़ रहे हैं तो ऐसा नहीं कि की के लिए दैट और क्या के लिए व्हाट का प्रयोग कर देंगे, नहीं, की और क्या दोनों के लिए व्हाट का ही प्रयोग होगा। आई एम ईगर टू नो, व्हाट कंजक्शन के रूप में आ रहा है। अब इसको असर्टिव बना देंगे, व्हाट के बाद आर है लेकिन यहां पर हम यू रखेंगे, व्हाट यू आर डूइंग हियर। सारे के सारे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के नियम लागू हो रहे हैं, प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट में है इसलिए इस आर का कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है, इन चीजों का हमें ध्यान रखना है। अब देखिए, जिसने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नहीं सीखे उसको यहां पर प्रॉब्लम आएगी। हम एक चीज सीखते हैं तो वह दूसरी जगह पर हमारे लिए हेल्पफुल होती है और हमारे काम को हार्ड से ईजी और ईजी से ईजियर कर देती है। तो इसलिए जो चीज भी टीचर कहते हैं स्टूडेंट्स, उसे गांठ बांध लो, याद करो। हम काम करेंगे टीचर के अनुसार तो डेफिनेटली हमारा काम आसान होता चला जाएगा। नंबर 10, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यू शुड रिमेंबर, ऑनेस्टी सर्वोत्तम नीति है, तुम्हें याद रखना चाहिए। तुम्हें क्या याद रखना चाहिए, कि ऑनेस्टी सबसे उत्तम नीति है। तो क्या हमारी नाउन क्लास क्या के प्रश्न करने के उत्तर में आ रही है, यही हमें ध्यान रखना है क्योंकि नाउन का कार्य कर रही है। यू शुड रिमेंबर कि दैट आ रहा है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यहां पर हमारी नाउन क्लॉज रिमेंबर जो वर्ब आ रही है इसके ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो रही है। नेक्स्ट, वी शुड लव द पुअर, गांधी जी टॉट अस सो, गांधी जी ने हमें ऐसी शिक्षा दी। कैसी दी, या गांधी जी ने क्या शिक्षा दी, कि हमें गरीबों से प्यार करना चाहिए। आ रहा ना क्या हमें, तो गांधी जी टोट अस दैट। ये जो सो है इस पूरे सेंटेंस के लिए है, पुअर तक के लिए। तो गांधी जी टोट अस दैट वी शुड लव द पुअर, दैट वी शुड लव द पुअर, यही भी ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। ही इज एंग्री, हमने 1 से लेकर के 11 तक ऐसे सेंटेंस को सिंथेसाइज किया है जो केवल 2 हैं। अब यहां पर 3 सेंटेंस आ गए हैं। He is angry with me. He will not
हेल्प मी आई नो दिस, मैं इस बात को जानता हूँ। क्या जानता है आई? आई किस बात को जानता है? कि वह मुझसे नाराज है और वह मेरी सहायता नहीं करेगा। ये कितना आसान हो गया, इसमें एंड कंजक्शन आ रहा है। हमने सिंपल सेंटेंस में ये बताया था कि एंड ऐसा कंजक्शन है जो सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड तीनों में प्रयोग होता है, जबकि ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, केवल कंपाउंड में प्रयोग होना चाहिए लेकिन तीनों में प्रयोग होता है, ऐसा कंजक्शन एंड है। तो आई नो दिस, दिस किस बात के लिए है? इन दोनों सेंटेंस के लिए है, क्योंकि वो नाराज है इसलिए सहायता नहीं करेगा। तो कैसे लिखेंगे? आई नो दैट ही इज एंग्री विद मी एंड ही विल नॉट हेल्प मी। कैसे जोड़ा हमने? हम देखिए, इतने बड़े अंग्रेज तो है नहीं जो अंग्रेजी में समझ जाएंगे, हमें हिंदी नहीं आती है तो हम इस प्रकार से जोड़ना कार्य नहीं कर सकते, और जोड़ना कार्य नहीं होगा हिंदी के माध्यम से तो निश्चित रूप से हमें अड़चन आएगी। तो इसलिए वोकेबुलरी को प्रिपेयर करना मस्ट है, हिंदी में अर्थ आना चाहिए। मैं जानता हूं कि वह मुझसे नाराज है और मेरी सहायता नहीं करेगा, इस प्रकार से यदि हमने जोड़ लिया तो फिर लिखने में कोई परेशानी नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, विल यू गो टू मार्केट टुडे? आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे क्या पूछा? हिम से पूछा कि क्या वह है? हिम से पूछा है, ठीक है, कि क्या तुम आज मार्केट जाओगे? जो हमारी प्रिंसिपल क्लॉज है आई आस्क्ड हिम, ये प्रिंसिपल क्लॉज है। आई आस्क्ड हिम, अब देखिए फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव है ना, तो फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव के लिए इफ या वेदर का प्रयोग किया जाएगा। हम इफ का कर लेते हैं, ठीक है। अब इफ का प्रयोग करके इस असर्टिव करके लिखेंगे, इफ के बाद में यू आएगा, सॉरी यू नहीं आएगा, यहां प्रोनाउन चेंज होगा। हम आई हिम से पूछता है और हिम को यू कहता है, ठीक है स्टूडेंट्स। हमें वी शुड बी वेरी केयरफुल वाइल सिंथेसाइजिंग द सेंटेंस। यदि हम इसको यहां यू कर देते तो हम मिस्टेक कर देते। अब ये यू है कौन? हिम है। सीधा सीधा यहां पर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट का रूल अप्लाई करेंगे, इस यू को चेंज करेंगे हिम के अनुसार, सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा तो आएगा ही, ठीक है। और ये प्रिंसिपल क्लॉज हमारी पास्ट टेंस में है तो इस विल का वुड हो जाएगा। ये पहले में रूल्स हमने स्टडी किए थे, पढ़े थे, ये तब बताया था कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के नियमों का पालन यहां पर 100% होता है। तो ये सेकंड पर्सन था, हिम के अनुसार बदला, ही आ गया, विल का वुड कर दिया क्योंकि प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में है, ये रिपोर्टिंग स्पीच है पास्ट में है। ये हमने बताया था कि रिपोर्टिंग स्पीच प्रिंसिपल क्लॉज, रिपोर्टेड स्पीच सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज होती है। तो ही वुड गो, गो का हम वेंट नहीं करेंगे, गो का गो ही रहेगा, टू मार्केट और ये टुडे का भैया दैट डे भी करना पड़ेगा। सारे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के रूल्स यहां पर अप्लाई होंगे, इस प्रकार से सेंटेंस बनेगा ये। नेक्स्ट है, रमेश इज गोइंग टू दिल्ली टुमारो, ठीक, रमेश कल दिल्ली जा रहा है। हिना, हिना सेड दिस, हिना ने ये कहा, ये बताया, तो क्या बताया, दिस क्या है, ये सारी बात है। इस सारी बात के लिए ऑब्जेक्ट के रूप में है डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट के रूप में रखा हुआ है।
जब ये इसके लिए है तो ये सब चीज़ हमें आकर के यहाँ रखेंगे कंजक्शन दैट के साथ, तो ये ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाएगी। हिना ने क्या बताया, क्या कहा कि रमेश कल दिल्ली जा रहा है, तो हिना सेड, ये हमारी प्रिंसिपल क्लॉज बन गई, पास्ट टेंस में है ना, दैट कंजक्शन लगा दिया रमेश। अभी जो ये इज आ रहा है, क्योंकि प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में है तो इसलिए इस इज का हम वाज करेंगे, वाज गोइंग, ये वाज कर दिया हमने, लेकिन जब इसका हिंदी में अर्थ निकलेगा वो निकलेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही, जो इसका निकल रहा है। हिना सेड दैट रमेश वाज गोइंग टू दिल्ली। अब टुमारो को कहें चेंज करते हैं द नेक्स्ट डे में, ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के नियम है, यदि हम इनको फॉलो नहीं करते हैं तो वी विल मेक ए मिस्टेक, हम गलती करेंगे। नेक्स्ट देखिए, महेश हैज गॉन मैड, महेश पागल हो गया है, दैट इज रॉन्ग, गलत है। दैट डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, दिस और दैट सब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन होते हैं, ठीक है, तो उन्हें हम इट में चेंज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा इट इज रॉन्ग, प्रेजेंट में है दैट। महेश हैज गॉन मैट, ठीक है। अब ध्यान देंगे इसमें, यहां पर प्रिंसिपल क्लॉज में इट आ रहा है, ये हमारी ये जो नाउन क्लॉज बनी है ये कॉम्प्लीमेंट के रूप में रखी हुई है, ये सब्जेक्ट के रूप में भी आ जाएगी, ये हमने इस तरह का सेंटेंस पहले भी आपको बताया है, कैसे, दैट दैट महेश हैज गॉन मैड इज रॉन्ग, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए नीचे भी सेम सेंटेंस रखा हुआ है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, हम इस दिस के स्थान पर दैट भी रख सकते हैं, जैसे पहले सेंटेंस में यहां पर दिस आया था, अब दैट आ गया, तो ये दैट न्यूज भी हो सकता है, दिस न्यूज भी हो सकता है, तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि यहां पर ये दिस और दैट डिमोन्स्ट्रेटिव तो है लेकिन प्रोनाउन नहीं, एडजेक्टिव है। अब ये एडजेक्टिव हो गया क्योंकि इसके बाद नाउन आ रहा है, तब वर्ब आई है, यदि दिस इज होता तो ये प्रोनाउन था, लेकिन दिस के बाद न्यूज आ रहा है तो क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है दिस भी और दैट भी, तो क्या होगा भाई, दिस न्यूज इज रॉन्ग, ये समाचार गलत है, तो समाचार क्या है कि महेश पागल हो गया है, तो यहां जो हमारा नाउन क्लॉज है वो फ्रेज इन ए पोजिशन में आने वाला है, इस दिस या दैट न्यूज को हम लिखेंगे दी न्यूज, समाचार क्या है भाई, समाचार, समाचार यह है कि महेश पागल हो गया है, दैट महेश हैज गॉन मैड इज रॉन्ग। जैसे हमने इस नाउन क्लॉज को सब्जेक्ट के रूप में रखा है, इस वर्ब का सब्जेक्ट बना दिया, इसमें ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें इट नहीं आ रहा है, यहां दी न्यूज क्या है भाई, न्यूज
दैट महेश हैज गॉन मैड। ये नाउन क्लॉज है, ये नाउन है, ये भी नाउन है। तो यहाँ ये नाउन क्लॉज फ्रेज इन ए पोजिशन में आ रही है। इस न्यूज के बारे में ये डिटेल में बताया जा रहा है कि न्यूज क्या है, शब्दों का वह समूह या वे शब्द जो नाउन के बाद आकर के नाउन के बारे में व्याख्या करते हैं। तो ये सब जो दैट महेश हैज गॉन मैड जो है ये न्यूज के बारे में तो बता रहे हैं, क्या है न्यूज। ओके स्टूडेंट्स, तो दोनों सेंटेंस को केयरफुली समझना है और कार्य करना है। मिस्टर सिंह सेड समथिंग, आई डो नॉट एग्री टू इट, आई डिड नॉट एग्री टू इट। मिस्टर सिंह ने कुछ कहा, मैं उससे सहमत नहीं हूँ, मैं उससे सहमत नहीं हुआ। तो आई किससे सहमत नहीं हुआ, कि मिस्टर सिंह ने क्या कहा। जब समथिंग आता है, ठीक है, इस सेंटेंस के एंड में समथिंग आ रहा ऑब्जेक्ट के रूप में है, तो इस समथिंग को हटा करके इसी सेंटेंस के शुरू में व्हाट का प्रयोग करेंगे, तो इसे व्हाट कंजक्शन आएगा। और ये इट क्या है, समथिंग के लिए है। तो जो होगा, आई डिड नॉट बिलीव टू, सॉरी फिर से इसमें मिस्टेक हो गई, आई डिड नॉट एग्री, ठीक है, आई डिड नॉट एग्री टू। अब जो इसमें इट और वाट को हटा, सॉरी समथिंग को हटा करके यहां, यानी कि इसको लिखने से पहले यहां हम वाट का प्रयोग करेंगे। आई डिड नॉट एग्री टू वाट, अब ये हमारा पास्ट टेंस में है प्रिंसिपल क्लॉज, और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसका हम करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। वाट मिस्टर सिंह हैड सेड, ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट का नियम लागू हो गया। प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में है, तो जो नाउन क्लॉज बनने जा रही है उसका टेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के नियमानुसार बदल जाएगा। ये पास्ट में है तो ये पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में चेंज हो गया। ऐसा चीज हमें करना है, ठीक है। इसके बाद हम दूसरी वीडियो में आपको आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।